दोस्तों देख रहे हो ना इस बच्चे को, ये सच्ची में इतना परेशान कर दिया है इसने अपनी मम्मी को भी और हम सबको भी। ये पता नहीं इतनी शैतान कैसे बन गई वहाँ पे। दो अनजाने अजनबी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। तो आज मैं हूँ कैटरीना कैफ। तो गाइस मैंने ये चश्मे लगा रखे हैं क्योंकि मेरी आंखों में वो इंजन हारी निकल आई है और इस वजह से मेरी आंख छोटी बड़ी हो रखी है, दैट्स व्हाई मैंने ये चश्मा लगा लिया है। और आज मतलब दो दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे क्योंकि बस आंखों की वजह से छोटी बड़ी लगी। तो आज मैंने सॉल्यूशन निकाला कि मैं रील भी ऐसे ही चश्मा लगा के बनाऊंगी और अपना ब्लॉग भी ऐसे ही। तो गाइस भाभी आए हुए हैं घर पे, आपको दिख रही होंगी पीछे, चलिए नीचे दिखा देती हूँ दोबारा। तो भाभी आए हैं कुछ दिनों के लिए क्योंकि मेरा जाप अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो अब ये निकालेंगे और अभी हम रेडी हुए हैं रील बनाने के लिए। तो ये कोट सेट देखना, ये मम्मी लेके आए हैं और कई सारे कोट सेट लेके आए और नाइट सूट लेके आए हैं, वो मैं दिखाऊंगी आपको डे बाय डे जब व्लॉग में आती रहूँगी पहनती रहूँगी तब। तो अभी हम ना रील बनाने के लिए रेडी हुए हैं क्योंकि दोनों बच्चे इतनी मुश्किल से सुलाए हैं। ऐनी तो सो जाती है पर सायरा सायरा परेशान कर देती है, वो सुलाई है देखो। वो पता नहीं, ये सायरा सो रही है, बड़ी मुश्किल से सो रही है। और वो हमारी एनू, वो तो शांत बच्ची है, वो तो सोती रहती है। तो गैस अभी बना लेते हैं रील हम, और नहीं ये उठ गए तो रील वील कुछ नहीं बनेगी। और अभी अनी जी सेटअप कर रहे हैं यहाँ पे, सब कह रहे हैं इन बालों को कटवा लो कटवा लो। हाँ किसी ने एक और कमेंट करा है, हैंडसम तो बहुत है पर इतना कमेंट क्यों कर रहे हैं। घमंड थोड़ी है, गर्व है, और खुद पे नहीं है, अपने पापा पे है। नहीं मेरे, I am what I am because of, अरे मेरे को बोल रहे हैं ना तुम्हारा पति इतना हैंडसम है क्या सबके होते हैं और इतना घमंड क्यों करते हैं। ये बात सही है, ये बात मैं भी मानता हूँ। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि जब हम किसी के पास अगर कोई चीज है अगर उसका घमंड कोई और करता है ना तो हमेशा उसको दिक्कत होती है जिसके पास वो होता है। मैं रैटू से पे घमंड करूंगी क्या? तो घमंड एक गलत चीज होती है लेकिन हाँ, गर्व करना बहुत अच्छी चीज होती है। सो कैरी ऑन विद इट, आई एम प्राउड ऑफ माय हस्बैंड। ओके अब चलो। और हाँ कोई कह रहा था मेरे को, हाँ मैं कमेंट सर से पढ़ नाम वाम नहीं पता, कि आपको व्लॉग बनाना नहीं आता। चलो ठीक है, मेरे को नहीं आता भाई, मत देखो फिर। मत देखो, मैं फोर्स कर रही हूँ, नहीं आता। अरे देखा देखी मैं व्लॉग बना रही हूँ, हस्बैंड को डांस नहीं आता, तुम्हें ब्लॉग बनाना नहीं आता। नहीं किसने बोला हस्बैंड को डांस नहीं आता? किसी ने बोला हस्बैंड को डांस? पूरे चार स्टेप आ गए, ऐसे मत बोल जी। और मेरे को भी अच्छे से स्टार्टिंग करनी आती है। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, स्वागत है आपका आज के व्लॉग। तो मेरे को भी अच्छे से आता है स्टार्टिंग करनी, तो आती है ना बीच में चाहे खिचड़ी पके पकती रहे कुछ भी हो, पर देखो जिसको देखना है देखो, जिसको ना देखना है ना देखो, आपकी मर्जी है, हम किसी पे फोर्स नहीं कर सकते। तो गाइस अभी हम रील बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे पंखा इन्होंने चलाने रखा, गर्मी लग रही है। देखो गाइस इन सब के चेहरे देखो और मेरा भी देखो, एक एक वीडियो बना के ऐसे थक गए जैसे एक महीने की वीडियो बना ली है। और देखो ये तो इतने आगे हैं, कोई एक कदम है तो ये इनके चार कदम आगे हैं। वीडियो बना लिए फटाफट पोस्ट कर देंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे पहले मेरी बना दो, फिर फटाफट फिर पोस्ट कर देंगे और फिर हम ऐसे कैसे रह जाएंगे। ये बड़े चालू चीज है। अच्छा हाँ, जब ही तो चालूपन के चालू बन गया, जब भी तो इतनी सारे वो गोल्डन ये बटन ले लिए, मेरे को पीछे छोड़ दिया। इसको कहते हैं मेहनती आदमी। मेहनती नहीं है ये, पता है क्या करते थे, अरे चलो पहले मेरी बनवा दो कर दी पोस्ट, फिर मैं कह मैं एक और मेरी बनवा दो फिर कर दी पोस्ट, ऐसे ऐसे ये आगे बढ़े हैं। ठीक है ना, ये हंसी के पीछे का दुख मैं समझ रहा हूँ। आगे बढ़ाऊ मैं क्योंकि थोड़ा झूठ बोल देता हूँ, क्योंकि प्रीत मेरे साथ है। अब ये कसम खा के बोल दो। मैं कसम खा कर कहता हूँ मैं सच में इसी वजह से आगे बढ़ा। मेरी बेइज्जती मारते रहते हैं पर सच इनको भी पता। थोड़ा थोड़ा प्राउड फील तो करना चाहिए ना खुद पे। तो ठीक है अभी बच्चे सो रहे हैं और हम सोच रहे कम से कम चार पांच वीडियो तो बने। हो गया तुम तो बच्चे वाली हो, पर यकीन नहीं हो रहा हो।
तो अभी बच्चे सो रहे हैं, हम सोच रहे हैं 4-5 वीडियो बन जाए, पर बन के ही नहीं दे रही। नहीं, मेरे को तो यकीन है क्योंकि तुम्हारे कपड़े डबल एक्सल आने लग गए ना। क्या है और हमारी ड्राफ्ट में पड़ी है, एक एक बन के ड्राफ्ट में पड़ी है। और ये देखो महाशय, इनके अकाउंट में और प्रूफ के साथ देख सकते हो। अरे क्या है, झूठा इंसान क्यों चल रहे हो? ये है इनकी तरक्की का राज। क्यों चल रहे हो ऐसे? ये है इनकी तरक्की का राज, ये है। और देखो मेरा तो सिल्वर प्ले बटन हटा तक दिया, ठीक है। खुद वीडियो बनाने के चक्कर में उसकी ग्लास तोड़ दिया। और इनका देखो, ये भी इनका है, ये भी इनका। बस मेरा तो कहाँ गया, ये पेपर पड़ा है बस मेरा तो। ये गिर गया था मैं, ठीक है। ये तीनों चीजें इनकी है, बाकी चारों झूठे इंसान। अब मैं चश्मा लगा लेती हूँ गाइस, क्योंकि इसकी आंखें सूजकर डब्बा हो रही है। मेरी छोटी बड़ी आंखें दिख जाएंगी, फिर आपसे देखो, फिर आपसे मेरा मजाक उड़ाओगे, ठीक है। तो मैं अपना मजाक नहीं उड़वाना चाह रही, और मेरी आंखों से देखो पानी भी निकलने लग गया। तो आप भी फटाफट अपनी एक वीडियो बनवा लेती हूँ, और उसके बाद कुछ खाऊंगी। मैंने अभी सुबह से दूध और लड्डू ही खाया, मैंने कुछ खाया ही नहीं है। इस वजह से मैं पतली हो चुकी हूँ, और जो कह रहे हैं ना मोटी भैंस, ठीक है, मैं हूँ मोटी भैंस। तुम बन जाओ, तुमसे बना जाओ। मैंने तो बहुत सारे कमेंट नहीं पढ़े हैं, नेगेटिव नहीं हो रही ना, मैं तो खुद पे कॉमेडी कर रही हूँ। तो गाइस अनी का मन कर गया सैंडविच खाने का, तो मैं एक्ट्रेस बन के अभी जा रही हूँ किचन में आलू उबालने के लिए। अभी यहाँ पे अंधेरा, मैं लाइट ऑन कर लेती हूँ। तो मैं पहले उबाल लेती हूँ आलू, आलू वाली सैंडविच बनाऊंगी मैं। आलू वाली कैसे, आलू टमाटर प्याज, और पहले आलू को उबाल के फिर टमाटर प्याज का वो डाल के कट करके उनको, तब और ब्रेड पे मेयो लगा के फिर उनको मशीन में सेकूंगी। ये मेरी सैंडविच मेकर की मशीन है, दिखाती हूँ आपको। ये मंगवा रखी है, दो सैंडविच एक साथ आ जाती है फुल वाली, और बहुत ही टेस्टी बनती है। पर अनी को ज़्यादातर तो अनी को तवे पे सेकने वाली अच्छी लगती है, पर क्या कहते हैं, तवे पे ज़्यादा टाइम लगता है, और मतलब कि मेहनत का काम है तवे पे, तो इस वजह से मैं तवे पे नहीं बनाती, मैं मशीन में ही बनाती हूँ। तो गाइस पहले मैं आलू रख लेती हूँ। तो गाइस बड़ी मुश्किलों से एक घंटे बाद क्या हो गया, फिर कोई नहीं, कुछ कुछ तो चलता है। अरे नहीं, करिया ना, फाइनल है, मेरे ना दिमाग सटकाते रहते हैं। तो मैं क्या कह रही थी, फाइनली इतनी मुश्किलों से एक घंटे बाद मुझसे सैंडविच बनी है। मेरी स्पीड बहुत कम हो गई है, तो स्लो स्लो बनाई है सैंडविच, ये सैंडविच है। और बाहर रेखा सागर से बात कर रही है, तो वो वहाँ ही दे आई मैं रेखा को सैंडविच। एंड दो इनमें से मेरी है, एक इनके, क्योंकि ये अपना एक सैंडविच पहले ठूस चुके हैं, और वो भी बिना चाय के। तो गाइस गर्मी लग रही है, पसीने आ गए, पंखा चला लेती हूँ और अपना सैंडविच खाती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कुछ, बंदर का बच्चा, ये है बंदर का बच्चा है। देखो ये हाल कर रखा है इसने घर में, ये हाल कर रखा है, और सच्ची में बंदर का बच्चा है। और गिलास, चारू चारू भाई, देखो गाइस बंदर का बच्चा ऐसे ही करते है ना। शेरू ओए ओए, इसकी नौटंकी चलती है, आई है मेरे पैर स्किप करती है। और मैं अपना सैंडविच खा लेती हूँ, नहीं ठंडे हो जाएंगे। तो देख रहे हो ना इस बच्चे को, ये सच्ची में इतना परेशान कर दिया है इसने अपनी मम्मी को भी और हम सबको भी। ये पता नहीं इतनी शैतान कैसे बन गई। वहाँ पे इधर आजा, इधर आजा, वहाँ पे आने के कपड़े, इधर आजा, नहीं आएगी, इधर आजा बेटा, अभी बताऊं तेरे को, अभी रुक जा। वो लेट गया,
एनी के सारे कपड़े फेंक के निकाल दिए वहां से, और ये बोतल इधर लेके घूम रही है, देखना चीजी ले। ये सुसु कर गई। अबे यार सुसु कर दिया, ये फिर से सुसु कर गई। पेट भरा है इसका, इसने सुसु कर दिया। अब इसका ये अभी दूध पिया है इसने, और दूध पीने के बाद ऐसे लेटती है, पता नहीं। देखना देखना जाग रही है ये। अच्छा एनी एनी हाय कर दो। ये गाइस क्या कहते हैं, मेरे को तो मारने को भागती है, अन्नी को डराने भागती है, पर अन्नी से डर के भाग आती है और मेरे को सीधा मारने आती है। पता नहीं अब कैसी होगी अन्नी, पहले बड़ी शांत थी, मेरी आंख पता नहीं कितने दिन में ठीक होगी। और रेखा बनाने गई है एनी, एनी की गहरी अन्नी की रोटी। हाँ मेरे को तो भूख नहीं है। और क्या कहते हैं, अब फिर उसके मैं तभी आइसक्रीम खाऊंगी, यानी ना रबड़ी वाली आइसक्रीम लेके आए। ऐसी आइसक्रीम तो मैं खाती हूँ, रबड़ी वाली जो हेल्थी चीजें होती हैं वो तो नहीं मेरे को खिलाते हैं। तुमने एक आँख क्यों ढक रखी है? हाँ मैंने बोल तो दिया, मेरी आँख में इंजन हरी निकली हुई है मेरी आँख में। और ये पता नहीं कैसे बोलते, देखो हमें यानी को देखो क्या कर रहा है बच्चा। ऐसे मजा आता है इसको। अरे ऐसे सो जाएगी ना अपना 10-15 मिनट बाद अपना एकदम से लिटा देंगे, तो 10-15 मिनट तक ही रखते हैं ऐसे। जब ये गहरी नींद में हो जाती है ना फिर इसको लिटा दो, जब ये कच्ची नींद में होती है ना तब तो ये इसको हमारी गोदी चाहिए, गोद में हो चाहे इसको हाथों में रखो ऐसे। तो गाइज अभी आइसक्रीम खा के फटाफट आज जल्दी सोने की तैयारी करेंगे, सायरा को जल्दी खिलाने की कोशिश करेंगे क्योंकि यही लेट सोते, फिर इसकी वजह से हमें लेट होना पड़ता है। देखो ये सायरा की आदत आ गई इसमें भी, ये भी कर रही है। शायरू बाय, ये तो शुरू से ही करती है। शायरू ओए ले चॉकलेट, ऐसे करती है। बाय कर दो, बाय ऐसे कर दो, बाय बाबू कर दो, चॉकलेट मिलेगी चॉकलेट, बाय कर दो, बाय बाय ऐसे बोल दो। ये भाई पक्के झूठ बन चुकी है। तो गाइस टाटा बाय बाय, गुड नाइट, साइनिंग ऑफ नाउ।